हेलो दोस्तों, कैसे हो सब भाई लोग। ये देखो, ये गाड़ी है इको स्पोर्ट। इसमें इंडिकेटर में प्रॉब्लम आती है। इसमें इंडिकेटर क्या होता है, जब हम जलाते हैं तो इंडिकेटर अंदर जलते हैं, इंडिकेटर का साइन आता है अंदर, बाहर नहीं जलते इंडिकेटर। तो दोस्तों, इसके लिए इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमने इसके फ्यूज़ वगैरह रिले वगैरह सारी चेक कर लिए, लेकिन इसके बीसीएम में प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको बताते हैं, वो बीसीएम ना बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, बाईपास करना पड़ता है इसलिए। नहीं तो फिर बीसीएम चेंज करने जाएंगे तो बहुत महंगा भी बीसीएम आता है, तो कस्टमर भी अफोर्ड नहीं कर पाता इतना। तो इसलिए कस्टमर ने बोला है, भाई कर दो जुगाड़। तो हम जुगाड़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे है बीसीएम, और इसका हम एक आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। ये देखिए वाइट, और ये बीसीएम में वाइट और ब्लू कपलर निकालना है। ये ब्लू कलर का कपलर है, इसमें ब्लू पे ग्रीन, ब्लू कलर की तार पे ग्रीन कलर की धारी होगी, और वाइट वाले में है येलो। इस तार को, ये तार यहाँ पे जुड़ी हुई थी, हमने काट दिए। ये तार यहाँ जुड़ी हुई थी, इसको बीच में से काट के और ये येलो वाली तार में लगानी पड़ती है, ऐसे लगा के, और ये कपलर अपनी जगह वापसी लगाने पड़ते हैं। ऐसे वापसी लगा दिए, चलो लगा दी, हमने चेक कर लिया है। हम इस पर टेप भी लगा देते हैं साथ के साथ। चलो टेप बाद में लगा देंगे, कोई नहीं दोस्तों। ये वाला वायर इधर दिखाओ अजर भाई, इधर लेफ्ट साइड में वायरिंग है। इसमें अभी ग्रे पे ऑरेंज है। इसको बीच से छिल के कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। इसमें एक वायर लगानी है, और ये वायर जो हमने काटी थी यहाँ पे ग्रीन, इसके ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देनी है और फिटिंग कर देनी है, और बाहर आप इंडिकेटर जलाओगे। मैं आपको अभी फिटिंग करके इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो हमने ये सारा कर दिया है कंप्लीट। अब हम आपको चेक कराते हैं। ये देखिए, ये इंडिकेटर जला दिया, ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है। हम आपको चेक कराते हैं।